ओके सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज 51। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 51 है। इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी थी, मैं आपको ब्रीफली बस बता रही हूँ कि असगर इज 27 years यंगर देन जुनेद। इसको हम लोग कैसे रखेंगे, असगर इज 27 years यंगर देन जुनेद, ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइन हमसे क्या कहती है, इन 10 years जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर। तो 10 years में जो कि हमारे पास हो जाएगा J+10, इसमें हमारे पास जो है असगर जो है वो ट्वाइस जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर। तो ए अब ये है समझने वाली बात कि हम लोगों ने यहाँ पर 8+10 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग 10 years बाद की बात कर रहे हैं, तो जुनेद की करंट सालों में भी 10 years प्लस होंगे और असगर के भी करंट years में 10 years प्लस होंगे। हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग सिर्फ जुनेद के साथ +10 लगाएं, हम लोग को असगर के साथ भी लगाना होगा +10। ठीक है, हाउ ओल्ड विल जुनेद बी इन 7 years, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस वन, साइमल्टेनियसली सॉल्व ए और जे की वैल्यू निकालो, जे की वैल्यू में फिर 7 ऐड कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी अप्रोच क्या होनी है, फादर्स एज, अच्छा ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। फादर्स एज इज इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो हम लोग इनकी एज से ऐसे लिख सकते हैं कि फादर की एज ये होगी और सन की एज ये होगी। ठीक है, 7 years अगो द एज ऑफ द फादर वॉज 43। तो अब जो हमारे पास रेशियो है ना, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5x जो हमारे पास फादर की एज का रेशियो है, तो हम लोग ये जो स्टेटमेंट दी गई फादर की एज के लिए दी गई, राइट, 7 years अगो, तो 5x-7, 7 years अगो द एज ऑफ फादर वॉज 43, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। एक्स की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, एज निकाल दिया, अब हमें सन के लिए हम लोग को पता है एक्स की जो वैल्यू 10 आ गई है, तो हम लोग 3 10s आर 3x दिखा रहे, तो 3 10s आर 30, ये होगा हमारे पास आंसर बी। ठीक है, दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस वन, ये वाले सॉल्व कर लो आप। एनीवे सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज नॉट रेशियोज बट फ्रैक्शंस। सही है, तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस जो टॉपिक है उसमें आपके बेसिकली ये जो चीजें हैं इनको आप देख लो। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट और होल, ठीक है, पार्ट अपॉन होल, माई बैड, पार्ट अपॉन होल में होल है ये। ठीक है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट अपॉन होल, फ्रैक्शन इंटू टोटल इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ हमारे पास 3/4 इंटू टोटल वैल्यू, उसको जब हम लोग टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपको मजीद क्लियर होगा जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कीप दीज स्टेटमेंट्स इन योर माइंड ताकि दिमाग में रहे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास वो ये है कि सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कोई भी नंबर ऑफ इवेंट्स दिए हुए हैं और हमारे पास जो वो सारे फ्रैक्शंस में दिए हैं, तो उन सब का जो आप मिक्सचर होगा ना, उन सबको जब आप आई मीन ऐड करोगे तो वो हमारे पास होल के इक्वल होगा, दैट इज 1। ठीक है, सारे फ्रैक्शन का सम जो है हमारे पास 1 के इक्वल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास रहता है परसेंट, जब आप निकालते हैं तो कोई भी फ्रैक्शन हो उसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे परसेंटेज को आप डिवाइड करोगे 100 से तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। ये बेसिक चीजें हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट, परसेंट को 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन। ए इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बी मींस ए अपॉन बी। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ए इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है ए अपॉन बी। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी मींस ए अपॉन बी इनटू 100। ठीक है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये वाली चीजें आपको पता होंगी कि वाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के तो वाई इक्वल्स टू के एक्स हो जाता है, के जहाँ हमारा कांस्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है वाई एक्स से तो हमारे पास वाई इक्वल्स टू के अपॉन एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों को बस एक क्विक रिविजन था, आई होप यू ऑल रिमेम्बर इट।
तो एनीवे सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड एस बी. तो हाँ, दैट्स हाउ यू डू इट. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा. इसमें आपको बेसिकली बस इस चीज को मल्टीप्लाई करना है 4/3/5 को 9 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार सॉल्व कर लो, तो फिर वी कैन डिस्कस इट टू. एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बेसिकली अप्रोच थी, कि इफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस 3/k, 4/k एंड 5/k इज इन लोएस्ट टर्म्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ k. लोएस्ट टर्म्स का मतलब क्या है, कि आपके पास अगर हम लोग 5/k को, 4/k को, 3/k को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर डेसिमल में आए, होल नंबर ना आए. होल नंबर लोएस्ट टर्म्स में नहीं होता है. तो हमारे पास लोएस्ट टर्म्स में कौन सा नंबर आएगा, इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, तो हमारे पास वो उसमें आएगा, डेसिमल में आएगा. ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग इन सब से डिवाइड करें और ये सभी लोएस्ट टर्म्स आए, लोएस्ट टर्म्स में आए. तो वो हमारे पास 48 4 से डिविजिबल है, 55 से डिविजिबल है, 51 3 से डिविजिबल है, 49 ही बचता है हमारे पास जो इस कंडीशन में पूरा उतर रहे हैं. सही है, किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है. लोएस्ट टर्म्स में आपका आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 49 हो जाएगा फिर. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. उसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस हैं. अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल 6 फीट हाई कास्ट अ शेडो 4 फीट लॉन्ग. एट द सेम टाइम अ ट्री कास्ट अ शेडो 64 फीट लॉन्ग. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री. हमने ऐसे सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों ने पहले पढ़े हो, बट सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास 6 फीट हाइट लिखी हुई है, एक चीज की हाइट लिखी हुई है, एक चीज की लेंथ लिखी हुई है, फिर दूसरी चीज की भी वापस आपके पास हाइट और लेंथ लिखी हुई है. तो हम तो क्या करेंगे, हाइट अपॉन लेंथ, लेंथ हमारे पास 4 है, ये सिमिलैरिटी काइंड ऑफ होती है. और फिर हम लोग दूसरे में वापस से हमारा न्यूमिरेटर क्या होगा, हाइट होगी हमारी, जो हमारे पास दी भी नहीं है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट एच. और हमारे पास दूसरी जो लेंथ दी हुई है वो 64 है. हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर 96 आ जाएगा. आप लोग कर लो सॉल्व, लेकिन ये सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ऐसे हो गए वाले क्वेश्चन सॉल्व, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आज हम लोगों ने फ्रैक्शंस, एज प्रॉब्लम्स और कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़े हैं. ये आपको इनकी मैं वर्कशीट भी भेजूंगी, एंड इन केस इफ आई फॉरगेट, तो प्लीज एनी वन ऑफ यू रिमाइंड मी. तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक्स है, बेसिक्स नहीं है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास पेपर में आती है. तो जस्ट प्लीज रिमाइंड मी टू सेंड यू द वर्कशीट्स एज वेल.